हेलो, मैं डॉक्टर वाजिद अली एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और केयर गचीवली में काम करता हूँ। आज हम एक कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे, फेशियल लैसरेशंस। फेशियल लैसरेशंस या चेहरे पे कट बहुत कॉमनली देखा जाता है और पीडियाट्रिक एज ग्रुप यानी बच्चों के ताल्लुक से ये ज़्यादा कॉमन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो है इसमें ट्रीटमेंट सबसे अच्छा क्या होगा। ठीक है, लोग ये भी पूछते हैं कि जो है अगर आप उसको टाके ना दें या फिर उसको कोई और प्रोसीजर ना करें तो क्या वो अपने आप में हील हो जाएगा। जी हाँ, फेशियल लैसरेशंस तकरीबन टाइम अपने आप में हील हो जाते हैं, लेकिन वो एक अगली स्कार छोड़ देते हैं क्योंकि फेस है, इसीलिए जो है छोटा भी स्कार अच्छा नहीं दिख के आता, तो इसीलिए उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कि वो स्कार सुपरफिशियल है या फिर जो है डीप है। अगर कट ज़्यादा सुपरफिशियल है, कभी कभी ग्लू लगाने से हील हो जाता है, लेकिन कोई भी कट जो ज़्यादा डीप है, समझिए 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो उसमें ग्लू में इतना स्ट्रेंथ होल्ड करने के लिए होता नहीं है कि जो है वो आपको एक नाइस स्कार दे। स्कार हील भी हो गया तो डिप्रेस रहता है और जो है वाइडन होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए सूचरिंग एक बेस्ट पॉसिबल तरीका है अगर डीप लैसरेशन से। फिर सूचरिंग में तरह तरह के सूचर्स होते हैं, जितना फाइन सूचर आप इस्तेमाल करेंगे आपके चेहरे पे उतना कम स्कार दिखेगा। साथ ही साथ एब्जॉर्बेबल सूचर्स यानी जो टाके अपने आप में गल जाते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर छोटे बच्चे हैं जिनमें सूचर निकालने में तकलीफ़ होती हो। अदरवाइज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स यानी जिनको टाके निकालना पड़ता है, वो वाले टाके बॉडी से कम रिएक्ट करते हैं और बेहतरीन स्कार देते हैं। इसीलिए अगर चॉइस है तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स बेस्ट टेक्निक है सूचरिंग करने की। तो ये थी छोटी सी जानकारी फेशियल कट्स या चेहरे पे कट के बारे में। थैंक यू।